अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आज हम बना रहे हैं चने की दाल। अचारी चने की दाल मसाले वाली बनेगी थोड़ा सा। तो उसके लिए मैंने चने की दाल ली है, उसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखें, ये मैंने 1.5 कप लिए तकरीबन। और इसमें जाएगा ऑयल हसबे ज़रूरत, हाफ कप से कम डालूंगी मैं। और 2 दरमियाने मैंने टमाटर लिए, इसे काट लिया, ये फ्रोज़न थे तो इसलिए ऐसे लग रहे हैं। 1 दरमियानी प्याज लिए, उसे चॉप कर लिए मैंने। अदरक लहसुन जाएगा 1 टेबल स्पून, फुल भर के लीजिएगा। और ये थोड़ा सा अचार का मसाला है, कोई भी अचार अचार ले रहे हैं। मेरे पास मिर्चों का अचार था तो मैंने उसका मसाला लिया ही है। और इसमें जाएगा कलौंजी 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टीस्पून मेथी, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून। और लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत लीजिएगा, और थोड़ा सा होममेड गरम मसाला ही है, ये भी 1/2 टीस्पून। और ये धनिया और हरी मिर्ची गार्निश के लिए है, ये ऊपर से डालूंगी मैं। और कड़ी पत्ता है थोड़ा सा, थोड़ा मैंने कड़ी पत्ता लिया है, साबित लाल मिर्चें और 1/2 लेमन जूस जाएगा उसके अंदर। तो अब हम बताते हैं आगे क्या करना है। मैंने 1 प्याज का टुकड़ा डाला था, इसमें ऑयल गर्म है, अब इसमें डालूंगी प्याज। प्याज को हमें सौते करना है, लाल नहीं करना है। तो इसके बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी, मेथी दाना और कलौंजी। देखिए प्याज हल्की सी नरम हो गई है, अब मैं इसमें डालूंगी कलौंजी, मेथी और जीरा। और साबित लाल मिर्ची भी डाल दूंगी। ये कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता डाल दूंगी। फिर इसमें लहसुन अदरक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर उसके बाद में टमाटर डाल देंगे। टमाटर डाल के हमें अच्छा सा भूनना है इसे। देखिए टमाटर हल्का सा नरम हुआ है, अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूंगी जो मैंने आपको दिखाए थे, डाल के अच्छा सा भून लेंगे। या मैंने कुकर दाल कुकर में डाल के 1/2 गिलास पानी डाल के इसे मैंने चला लिया है। और ये सिर्फ 2 मिनट मैंने इसको पकने के लिए रखा है, और मैं अब इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। ये मैंने दाल डाल दी है, इसे अच्छा सा मिक्स कर दूंगी। ये मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर दिया है, मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी। पानी डाल के मिक्स कर दूंगी। देखिए जी, मैंने इसमें पानी डाल दिया है,
थोड़ा सा पानी डाल दिया इसमें मैंने और इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने आपको दिखाया था अचार मसाला, ये डालूंगी और थोड़ा सा धनिया, ये डाल के मैं मिक्स कर दूंगी। दो मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दूंगी ताकि मसाले इसके अंदर दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मैं इसमें लीमू जूस, लेमन जूस डालना भूल गई थी तो मैं अभी डाल देती हूँ। ये डाल के मैं इसे मिक्स कर दूंगी और यहाँ पे आप नमक चख लें, अगर नमक कम है तो आप नमक ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरा भी थोड़ा इसमें नमक कम था तो मैंने ये थोड़ा सा डाला है। ये डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए बंद करूंगी और फिर हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, मैंने निकाल ली दाल और ये रेडी हो गई थी। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे धनिया। और ये हरी मिर्ची लगा दूंगी मैं इसके ऊपर। जी हमारी रेडी है, बनाइएगा आप भी, बताइएगा कैसा लगा, आप भी बनाइएगा बताइएगा कैसा लगा। और चने की दाल, इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं और पराठे और नान के साथ खाएं, बहुत मज़े मज़े की लगेगी ये। और आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।